मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आसनसोल के होटल सिटी रेजिडेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में सीएए बिल लागू होगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साथ ही कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, वो बन रहा है। हमने कहा था ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। वहीं संकल्प पत्र को लेकर सवालों के जवाब देते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें लिखा एक एक शब्द सही है। हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम बचपन से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। 370 हटी के नहीं, 35 हटी के नहीं। हम कहते थे हम सीएए लाएंगे, हमने अभी भी कहा है सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करेंगे। हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, लेके आए यहां भी लाएंगे। हमने कहा था कि हम सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, देख लो अयोध्या जाके बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो कहा सो किया, ये आपके सामने। और इसलिए जो माननीय अमित शाह जी ने घोषणा पत्र जारी किया, आम आवाम को विश्वास है कि जो कहा है वो करेंगे। महिलाओं को अगर मुफ्त में यात्रा देने की बात कही है, सीएए लाने की बात कही है, राशन की बात कही है, तो ये करेंगे। हमने हिंदुस्तान के अंदर इतनी अकर्मण्य निष्क्रिय और फेल सरकार नहीं देखी जितनी अकर्मण्य निष्क्रिय और फेल सरकार पश्चिम बंगाल की। हमको बाहर का बता रही है, घुसपैठियों को घर का बता रही है। और इसलिए अब पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, 2 मई दीदी गई, अब की बार भाजपा की 200 पार। आपके ध्यान में इस विषय को लाने से अभिप्राय ये कहीं नहीं है कि हम डर गए। आपके ध्यान में लाने से अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि ये बात आपके माध्यम के समाज के ध्यान में रहे कि हार के डर से तृणमूल बौखला रही है। परिणाम ये है कि वो हम लोग पे उतर आई है। जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। शेर के बच्चे अगर शारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। और इसलिए वो जो भी गुंडे हैं जो हमले कर रहे हैं, वो जो बदमाश हैं, वो जो माफिया हैं, वो इतना जान लें कि उनकी आयु अब कुल 1 महीने की बची है 2 मई तक। भाजपा की सरकार आते ही एक एक को, चाहे वो पाताल में छुपे होंगे, वहां से भी खींच के लाएंगे। एक एक हथकड़ियों के नीचे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। कोई अपराधी बचेगा नहीं 2 मई के बाद। एक की बात नहीं, 134 शहीद हुए हमारे कार्यकर्ता, और इनका किसी का भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, आप ये तय मान के चलना।